एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप लोग अच्छे ही होंगे। आज के वीडियो का मैं टॉपिक बता देता हूँ। आज टीवीएफ के टॉप 10 सीरीज के बारे में बात करेंगे। ये सारी शो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। सब सीरीज को देखने के बाद आपके मुंह से सिर्फ यही निकलेगा कि ऐसा भी सीरीज कोई कैसे बना सकता है। जब कभी कॉन्टेंट की बात होगी, टीवीएफ उस लिस्ट में सबसे आगे होगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें तो उस लिस्ट में टीवीएफ 3 नंबर पे है। 1 और 2 नंबर पे कौन है ये तो आपको पता ही होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ यूनिवर्स। तो 10 नंबर पे सीरीज है परमानेंट रूममेट्स 8.6 आईएमडीबी रेटिंग के साथ। इसका जनर कॉमेडी रोमांस है। ये स्टोरी एक कपल के ऊपर है जो 3 साल से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं। उन्हें शादी करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। इन दोनों की प्रॉब्लम्स को इस तरीके से दिखाया गया है कि आप लोगों की हंसी नहीं रुकेगी। अगला शो आपको फुल नॉस्टैल्जिया मोमेंट देने वाला है। ये शो आपकी बचपन की यादें ताजा कर देगी। शो का नाम है आई एम मैच्योर, जिसकी आईएमडीबी 8.6 है। बेसिकली इस शो में आपका पहला मोमेंट किस तरीके का होता है वो दिखाया गया है। जैसे कि आपका पहला प्यार, आपका पहला ड्रिंकिंग अल्कोहल, आपका पहला ब्रेकअप। नेम कभी इसे बैड बॉय बनना। सर मे आई गो टू टॉयलेट डेस्परेटली। प्रियंका कल शाम मॉल के हैंडी का वॉशरूम में। भाई इससे प्रेग्नेंट वेग्नेंट तो नहीं होते। बहुत सारे लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग से कुछ नहीं होने वाला, बट वो 4 साल इतनी याद ही बनाती है कि वो मोमेंट पूरी जिंदगी का बेस्ट मोमेंट बन जाता है। शो का नाम है हॉस्टल डेज 8.6 आईएमडीबी रेटिंग के साथ। इसकी स्टोरी इंजीनियर्स के बकचोदी पर फोकस की गई है। अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो इस शो से ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। अंकित पांडे सिविल 5502। मैं क्यों दूं नाम बताने के 5502 ऐसा क्या भाई तारे नाम में। अगले नंबर पर शो का नाम पंचायत है, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.8 है। ये कहानी अभिषेक त्रिपाठी की है, जिसे एक छोटे से गांव फुलेरा के पंचायत में सचिव का जॉब मिलता है। इसकी स्टोरी लाइन गांव के नजरिए से लिखी गई है, जो आपके दिल को छू है। और सबसे बड़ी बात अपने ही कास्ट के हैं। तो अपनी बेटी क्यों नहीं ब्याह देते उनसे? अरे नहीं, उनका तनख्वाह बहुत कम है। अगली सीरीज फैमिली ड्रामा पर बेस्ड है। सीरीज का नाम है ये मेरी फैमिली, जिसकी एमडी रेटिंग 9.1 है। सीरीज को देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी 90s के एरा को दिखाती है। एक 12 साल के लड़के के नजरिए से इस स्टोरी को दिखाया जाता है। फैमिली का सुख हो या फिर फैमिली का दुख, शो के क्रिएटर समीर सक्सेना ने इस शो को इतने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया है कि इसे देखने के बाद आप डेफिनेटली इमोशनल हो जाएंगे। जैसे हर बच्चे का एक फेवरेट पेरेंट होता है, जैसे हर पेरेंट का एक फेवरेट बच्चा होता है। खाली बोतल भर के फ्रिज में रख और शाम को छत पे से कपड़े भी तू ही उतारेगा। भैया लोग किसी काम के नहीं होते। क्या होगा जब आपको कोचिंग के किसी लड़की से प्यार हो जाएगा। अगला शो इसी के बारे में। सीरीज का नाम है फ्लेम्स, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 9.2 है। कहानी 2 लड़का लड़की की रोमांटिक लव स्टोरी के बारे में है। लेकिन लड़के के घर वालों को पता चल जाता है कि वो कोचिंग पढ़ने के लिए नहीं, किसी और चीज के लिए जा रहा है। उसके पापा उसकी कोचिंग छुड़वा देते हैं। अब आगे क्या होगा इसके लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। गेस करो मैं कहूं राजा तुम्हें नहीं आ सकती यार। वो मेरे सामने अनुषा को चिपक के मिलता है यार। अगले शो का नाम कोटा फैक्ट्री है, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 9.2 है। कहानी आईआईटी एस्पिरेंट्स के ऊपर है। कैसे एक लड़का अपने नॉर्मल लाइफ को एक एस्पिरेंट में बदलता है, अपने डे बाय डे के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है। इस शो में आपको पढ़ाई के बारे में और बाहर का बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा। माहेश्वरी में हम बच्चों की कंप्लेन उनके पेरेंट्स से नहीं करते, हम ऐसे बच्चों को एडमिट ही नहीं करते। अगले नंबर पर जो शो है वो बहुत ज्यादा ही एंटरटेनिंग और इमोशनल है। शो का नाम है गुड लक, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 9.2 है। इसके टोटल 2 सीजन है और इसका क्लाइमेक्स देख के लिटरली आप रो दोगे। मेरे हिसाब से ये बेस्ट फैमिली ड्रामा सीरीज है। कहानी मिडिल क्लास फैमिली की है, जिसमें 4 मेंबर है, माँ बाप और 2 बेटे। कहानी हमारे घरों से उठाई गई है कि कैसे हम रिमोट के लिए अपने सिबलिंग से लड़ते थे, गुल्लक में एक एक पैसा जोड़कर कैसे कोई खिलौना खरीदते थे। मेरे तरफ से इस शो को 10 में से 10 स्टार मिलेगा, क्योंकि इसकी कहानी बहुत ज्यादा रियलिटी और जेन्यून दिखाई गई है। नमस्ते आंटी। दूसरी आंटी वो मच्छर भगाने वाली मशीन चला रखी है लड़कों ने। आप भी कई बार सोचते हो कि मैं भी जॉब क्विट करके अपना कुछ स्टार्टअप करूँ, तो अगला शो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। शो का नाम है पिक्चर्स 9.1 आईएमडीबी रेटिंग के साथ। कहानी 4 दोस्त की है, जो अपना जॉब क्विट करके कैसे कोई स्टार्टअप करके उसमें सक्सेसफुल होते हैं। इस जर्नी को इस तरीके से दिखाया गया है कि बहुत कुछ सीख सकते हो आप इससे। एक नंबर पर का सीरीज इंडिया टॉप रेटेड सीरीज है। आप समझ ही सकते हो कि कितना बेहतरीन कंटेंट होगा। शो का नाम है एस्पिरेंट्स 9.7 आईएमडीबी रेटिंग के साथ। कहानी 3 दोस्त के ऊपर है, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स रहते हैं। इन तीनों का सपना रहता है यूपीएससी क्लियर करना। अगर आप एक एस्पिरेंट्स है तो इस शो को एक बार जरूर ट्राई करें। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोज के लिए। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद।